नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पैरामेडिक क्रैकर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या आपकी जो भी डिग्री और पैरामेडिकल से रिलेटेड डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज हैं उसके आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रखा होगा कि जिसमें कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज हैं, वेरियस कोर्सेज हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, बीएससी नर्सिंग हो गया, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो गया, एमएससी नर्सिंग हो गया, बीपीटी हो गया, बीआरटी हो गया, बीएससी एमएलटी हो गया, एमएससी रेडियोथेरेपी, बी ऑप्टोमेट्री हो गया, आपका एम फार्मा हो गया, बी फार्मा एंड डी फार्मा, इसके वेरियस टाइप के कोर्स हैं। इन सब के क्या एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गए हैं, कब से कब तक हो गए? जैसा कि आपको थंबनेल में दे रखा है कि 14 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर के बीच इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने हैं। तो जो भी स्टूडेंट राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो कोई भी इसमें से कोर्सेज एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तो जल्द से जल्द इसकी इसमें क्या कर दें, आवेदन फॉर्म भर दें और इसकी तैयारी शुरू कर दें। एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा, इसकी पूरी तैयारी कब अभी से शुरू कर दें, तो आपको ज़रूरी एंट्रेंस में मेडिकल गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। तो आइए आपको इसकी विज्ञप्ति दिखा देते हैं, इसका नोटिस दिखा देते हैं क्या है इस फॉर्म इसका। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए आपको लेके चलते हैं इसके नोटिस पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको दिखाई दे रखा है, ये इसका नोटिस है। नोटिस में आपका ये प्रवेश विज्ञप्ति जो है, नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2020 और 21 के लिए, जैसे कि आपको नर्सिंग करनी है तो आपको एमएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो जाएगा, बीएससी नर्सिंग एडमिशन इसके लिए स्टार्ट हो गए। और आपको पैरामेडिकल में एडमिशन लेना है तो आपके लिए बीआरटी, बीएमएलटी, बी ऑप्टोमेट्री, एमएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी एंड जीपी पीजी डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एडमिशन। अगर आप फार्मेसी भी करना चाहते हैं तो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं, जिसमें कि आपको बी फार्मा और डी फार्मा और एम फार्मा मिलेगा। फ्रेंड्स, ये इसकी विज्ञप्ति थी, ये आप इसमें दे सकते हैं। इसके आवेदन फॉर्म भी स्टार्ट हो गए ऑनलाइन, इसका क्या है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं, जो कि इसकी डेट दे रखी है आपकी कब से स्टार्ट हो गई, 14 अक्टूबर से इसकी स्टार्ट हो गई है। और आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 13 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। और इसका जो कंप्यूटर बेस इसकी परीक्षा होनी है, यानी कि आपका CVT इसका टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस की परीक्षा होगी, जो कि आपकी जब भी एंट्रेंस होगा उसकी डेट अनाउंस कर दी जाएगी। और आपको और डिटेल में लेके चलते हैं और बताते हैं इसके बारे में जानकारी और आपको देते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने क्या किया, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपको दे रखी है। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप यहाँ पर सीधे जा सकते हैं और वो नोटिस अब आपको दिखाने वाले हैं, ये कहाँ से फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है। तो आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि ये स्क्रॉल डाउन में जो आने वाली लाइन, वहाँ पे हम इसको क्लिक करके बताएंगे, आपको जूम करके दिखा देंगे कहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, अब देखें, ये आपको देखो यहाँ पे इस वाली लाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगले पेज पे हम एंटर हो जाएंगे। जैसे आप एंटर होते हैं तो उसके बारे में बताऊँगा, ये नोटिस आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये मैं इस पर अब एंटर कर दिया है, पेज खुलने वाला है। तो फ्रेंड, जैसे इस पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पे ये अगला पेज ऐसा शो हो जाएगा। तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन, इस पर करेंगे तो बहुत सारे कोर्सेज हैं ये आपके लिए, इसमें यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे आपका बीएससी नर्सिंग हो गया, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ बीपीटी, सारे जितने मैंने बताए हैं यहाँ पे, एम फार्मा, बी फार्मा, बी फार्मा, ये जितने भी हैं सब आपकी इसकी लास्ट डेट दे रखी है, सारी 14 हैं और 13 नंबर तक इसकी लास्ट डेट है, ये इसकी है। इसमें अगर हम आपको बीएससी नर्सिंग का इसमें ओपन करके दिखाते हैं तो क्लिक हेयर पे, यहाँ पे है फॉर्म फिलिंग पे, यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसकी बुकलेट आपको यहाँ से बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं, आप यहाँ से आप बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं, इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी नोटिफिकेशन क्या है वो कर सकते हैं। तो हम इसमें आपको इसकी बुकलेट डाउनलोड करके दिखाएंगे, इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। जैसे बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग के बारे में हम आपको पूरी डिटेल अब बताने वाले हैं। एक बार फॉर्म फिल करें तो इसे जल्द आप जरूर से ज़रूर पढ़ लें तो आपको पता रह जाएगा इसमें कैसे क्या करना है। तो जैसा कि आपको दे रखा है, इसमें 14 अक्टूबर इसकी फिलिंग डेट है, 14 से स्टार्ट हो गए आपकी, 13 नवंबर तक इसके फॉर्म फिल करें जाने, इसका जो टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, CVT बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, CVT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और आपको क्या करना है इसमें, और आगे देखते जाने तो इसकी एडमिशन फ़ीस की बात कर लें। अगर आप जनरल के हैं, जनरल एंड ओबीसी के हैं, तो आपको
₹1500 देने होंगे। अगर आप एससी और एसटी में आते हैं और पीएच जितने भी हैं कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 750 देना है, यानी ₹750 आपके एससी और एसटी के लिए और पीएच के लिए हैं। अगर आप जनरल एंड ओबीसी के में आते हैं तो आपको ₹1500 का फॉर्म है इसमें। और आगे हम बात कर लेते हैं इसमें, और एज लिमिट की बात कर लें तो आपको मिनिमम जो एज है 17 होनी चाहिए और 28 ईयर्स फीमेल कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए, यानी कि आप फीमेल हैं तो आपके लिए छूट है 28 की। अगर आप मेल हैं तो आप 25 ईयर्स होने चाहिए हो जाने चाहिए, जो कि 25 दिसंबर तक। एजुकेशन में सेम प्रोसेस 10+2 होना चाहिए आपकी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और प्लस मैथ भी उसमें होने चाहिए। मैथ वाले भी स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 45% के पास होने चाहिए, यानी कि जिनके भी जनरल एंड ओबीसी से हैं उनके 45% होने चाहिए। कितने परसेंट? 10+2 यानी कि 12th में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी कोटा के अंदर आते हैं, तो आपके मार्क्स होने चाहिए आपके 40% पी सी बी या एम। ये आपके सब्जेक्ट हैं आपके, ये मैंने बता दिया है। रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा इस नोटिस को पढ़ सकते हैं। कैटेगरी किस 15% और टोटल सीट ऑफ दी फील्ड वाई कैंडिडेट वाई ऑल इंडिया बेस, इसमें ऑल इंडिया बेस के क्या आगे कर सकते हैं आप? ऑल इंडिया बेस में आप फॉर्म भरना चाहते हैं राजस्थान में आप करना चाहते हैं तो 15% इसमें टोटल सीट है, जिसमें कि आप ऑल इंडिया बेस ऑफ इंक्लूड ऑफ राजस्थान, तो इसके 15% की सीट तो आपकी ऑल की बेस के रहेंगी। और आपका 16%, 12% और आपका 21%, 5%, 10% ये सारे इसकी एसटी ओबीसी ये सारे इसकी कैटेगरी वाइज दे रखा है। और इसकी एक बात और मैं बता दूं, इसकी जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं उसके लिए 50% सीट रिजर्व रहेंगी। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही फ़ायदा है इसमें, क्योंकि इसमें 50% सीट है क्या रिजर्व रखी जाती हैं। और इसमें इंट्रैक्शन, बहुत सारे इंट्रैक्शन हम मेनमेंट पॉइंटों पर बात कर लेंगे फ्रेंड्स। इसमें एक बात और बता दूं, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है, तो आप चिंता ना करें, आप सारे के सारे टिक लगा सकते हैं। इसमें रिक्स लेने वाली ऐसा नहीं, आप छोड़ के आए तो छोड़ने वाली बात आपकी नहीं है। और इसमें आपका और भी इसमें देखते जाते हैं कोई भी पॉइंट है आपसे आपका, देखो ये जो आपको टेस्ट है आपका 2 घंटे का होना है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपके बायोलॉजी के एंड बॉटनी, बायोलॉजी के अंदर क्या आता है आपका जूलॉजी एंड बॉटनी 34 नंबर होगा, फिजिक्स में आपका 33, केमिस्ट्री में 33, कुल मिला के आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का आप करना पड़ेगा। और जो पेपर है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा, यानी कि आप हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं, तो आप उसकी चिंता ना करें। अगर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैं आपको बता दिया, फिर भी कोई रह जाता तो आप मुझे क्या कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, वहाँ पे मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँगा। मैंने यहाँ तक पूरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे आपको बता दिए। अगर आपका बीएससी नर्सिंग के लिए सिलेबस क्या है वो मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना था इसके फॉर्म अप्लाई फॉर्म जो भी हैं, जिस कोर्सेज में आप करना चाहते हैं उसके अप्लाई फॉर्म स्टार्ट हो गए, तो आप जल्दी से जल्दी इसके फॉर्म को फिल कर लें, जो भी आप इसमें करना चाहते हैं। बीएससी नर्सिंग करना है, बहुत अच्छा डिग्री कोर्स है ये आपका। आप बी फार्मा डी फार्मा भी कर सकते हैं इसके थ्रू, एमएससी भी कर सकते हैं, एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बीपीटी कर सकते हैं, सारे स्टूडेंट हैं इसमें। आपको कोई भी क्वेश्चन है मेरे से डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मैं इसके सिलेबस के बारे में बता दूंगा, या आप जो भी मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछना चाहते हैं अगली वीडियो सर इस टॉपिक पर बनाइए, तो मैं इस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मैं वीडियो बनाऊँ और पल पल की इन्फॉर्मेशन आपको पैरामेडिकल करियर पर सटीक मिलती रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।